हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो गर्मियों का सीजन है और मैंगो तो भरपूर मात्रा में बाज़ार में मिल रहे हैं, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इसलिए मैंने बनाया है आज मैंगो मोइटो, जो बनाने में बिल्कुल आसान है और पीने में तो बहुत ही बढ़िया। यह हमारे शरीर को बिल्कुल तरोताज़ा कर देते हैं, तो मैं इसको इंजॉय करती हूँ और आप पूरी रेसिपी देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी। तो मैंने लिया है एक आम और इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। इसका ऊपर वाला भाग है, इसे हम साइड निकाल देंगे और इस तरह से इसे कट कर लेंगे दोनों साइड से। देखिए इस तरह से, और इसमें हम चाकू से इस तरह से कट लगा देंगे ताकि हमारे पीस जो है अच्छे से बाहर आ जाए, सारा इसका जो पल्प है इस तरह से। तो मैंने एक कटोरी ले ली है और एक लिया है मैंने चम्मच, इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह से जो है पल्प इसका पूरा अच्छे से निकलाता है। तो आम का पल्प जो है हमने इस तरह से कटोरी में निकाल दिया है और एक ले लेंगे मिक्सचर जार। अब इसमें हम इसे ट्रांसफर कर देंगे और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए आम का इस तरह से ये पेस्ट बन चुका है। तो हमने कांच का इस तरह का गिलास ले लिया है। अब डाल रही हूँ मैं इसमें सबसे पहले नींबू कट किए हुए स्लाइस इस तरह से, और कुछ डालेंगे इसमें पुदीने की पत्ती। तो देखिए मैंने इस तरह का बेलन लिया है। अब इसको हम धीरे धीरे इस तरह से दबाएंगे, बहुत ज़ोर से इसे नहीं दबाएंगे, नहीं तो आपका गिलास टूट भी सकता है। इस तरह से इसे दबा के ताकि इसका रस जो है अच्छे से निकल जाए। तो देखिए इस तरह का ये हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून शुगर पाउडर, इसे भी इसके साथ हम बेलन के साथ जो है नींबू और पुदीना के साथ इस तरह से मैश कर लेंगे। ये देखिए इस तरह के ये हो चुके हैं। मैंने इसमें 4 आइस क्यूब डाल दिए। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैंगो का पल्प जो हमने इस तरह से ग्राइंड करके रखा था। ये देखिए, तो अब इसके ऊपर डाल देंगे हम लेमन के स्लाइस दोबारा से इस तरह के, और साथ में पुदीने की पत्ती। तो हम इस चम्मच से इसे इस तरह से, तो चलिए इसको चम्मच से हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से, और मैंने लिया है स्प्राइट, तो मैं डाल रही हूँ इसमें स्प्राइट। और इसे हम इस तरह से स्पून से जो है अच्छे से इसे हिला लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें आइस क्यूब 2-3 और डाल देंगे ताकि ये खाने में बहुत ही, ताकि पीने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगे। और हल्का सा पल्प हम इसके ऊपर और डाल देंगे, देखिए इस तरह से, और इसके ऊपर रख देंगे हम एक पत्ती इस तरह से। तो चलिए जी, हो गया हमारा रेडी मैंगो। तो मैंगो मोइटो जो है हमारा रेडी हो चुका है। ये बिल्कुल ठंडा ठंडा है, आप ही इस तरह से इसे जरूर सर्व कीजिएगा।